जीवनों का बहुत संघर्ष में बीता। हम लोग फादरलेस थे, 5 भाई बहन थे। तो कितना कितना लिख करके मैं रखती रही पर उसको प्रकाशित नहीं करवा सकी। मुझे ऐसा बैकग्राउंड नहीं मिल पाया। साई 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 मेरा मन बोले, अम्मुआ की डारे पे कोयल बोले। तो उस समय तो शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए, क्योंकि साई बाबा की कृपा ही सब कुछ कृपा है, सबसे बड़ा आनंद वही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना सिद्धार्थ शंकर श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ शक्ति एजुकेशन म्यूजिक और शक्ति एजुकेशन म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी शख्सियत को मिलवाने जा रहा हूँ जो एक बहुत ही कुशल गृहिणी हैं, एक बहुत ही मजी हुई अध्यापिका हैं और साथ ही साथ इन्होंने अपनी बचपन की ख्वाहिश गीतकारिता को, भजन लेखनी को अंजाम दिया है। मैं आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अ टीचर, अ हाउसवाइफ एंड अ लिरिक्स राइटर एंड अ पोएट, प्रमिला श्रीवास्तव। शक्ति एजुकेशन म्यूजिक्स के इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी। प्रमिला श्रीवास्तव जी ने हमारी म्यूजिक कंपनी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन साईं भजन लिखा है, साईं 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 मेरा मन डोले, अमुआ की डारी पर कोयल बोले। हाँ। बहुत खूब, जिसे गाया है बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर कंचन किरण मिश्रा ने। आपका ये गीत हमारे चैनल पे ही बहुत पॉपुलर नहीं हुआ, इनफैक्ट जितने भी स्ट्रीमिंग साइट्स हैं हिंदुस्तान की, विदेशों की, सब जगह बहुत धूम मचा रहा है। तो लेखनी की शुरुआत में साईं बाबा के गीत से ही शुरू क्यों किया, कुछ खास वजह थी? इसके लिए मैं तो साईं बाबा को ही सारा श्रेय देती हूँ, क्योंकि साईं बाबा की ये कृपा से यह सब कुछ संपन्न हो पा रहा है, संभव हो पा रहा है, वरना मैं क्या हूँ। मैं तो साईं चरणों की दासी हूँ सिद्धार्थ जी, इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस बाबा की कृपा ही मेरे लिए सर्वस्व है, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं और उनकी कृपा मेरे लिए सर्वस्व है। मैं बाबा के चरणों में कोट कोट प्रणाम करती हूँ, सदैव उनका ध्यान मुझे रहता है। क्या बात। और जब भी मैंने कभी भी सुख में दुख में उनको याद किया है, मुझे ये अनुभव मिला है कि वो मेरे साथ हैं, हर पल साथ में, अदृश्य शक्तियाँ उनकी मेरे में समाई हुई हैं। तो प्रमिला जी, गीतकारिता के क्षेत्र में क्या आपकी लेखनी भजन तक ही सीमित है या आप और भी फ्यूचर में गजल या कविताएं या रोमांटिक सॉन्ग्स कुछ और लिखना चाहेंगे? नहीं, केवल भजन तक ही सीमित नहीं है, मैंने और भी मेरे बहुत सारी रचनाएँ हैं जो प्रकाशित होने के लिए लाइन में लगी हुई हैं, जैसे समाज के लिए लेकर के आरक्षण पर, या बहुत सारे विभिन्न क्षेत्र में हमने अपनी रचनाओं को लिखा हुआ है। तो अभी बस वो आपके सामने कुछ दिन में आएंगी। इसके साथ ही साथ ईश्वर से संबंधित गीत संगीत, देवी माँ से, भोले बाबा से, साईं बाबा से, जो भी मेरे हृदय में प्रेरणा आती है वो मैं लिखती हूँ। क्या बात है। बचपन कैसा बीता आपका, ये शुरुआत लेखनी की, एक आप एक अध्यापिका रहीं, आप एक, आपकी शादी हुई एक ऑफिसर के साथ, आप एक कुशल गृहिणी रहीं, फिर आपने काफ़ी दिनों तक, जितना मैंने आपके बारे में सुना है, आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया और रिटायर होने के बाद भी आप वापस से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, तो ये सब करते करते इतने सालों में लेखनी क्यों निकल के बाहर नहीं आई? ऐसा तो नहीं लगता आपको कि ये अब मेरे, मैंने अपने जीवन के सारे जो कर्तव्य थे उनका निर्वाहन कर दिया और अब जो है मैं सुकून से अपने मन के भाव, अपने मन की रचनाओं को समाज के सामने, देश के, दुनिया के सामने लाऊंगी? ऐसा बचपन तो हम लोगों का बहुत संघर्ष में बीता। हम लोग फादरलेस थे, 5 भाई बहन थे और उसमें हमारी माँ का और हमारी बहन का बहुत सारा श्रेय रहा। उसके बाद आफ्टर मैरिज मायके में भी और ससुराल में भी भक्ति भावना का माहौल रहा और उसके साथ ही साथ ईश्वर की कृपा से सभी में टैलेंट भी बहुत रहा। मेरे हस्बैंड भी लिखते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी एक ऑफिसर से रिटायर होकर के लिखते भी हैं और ज्योतिषाचार्य का भी कार्य करते हैं। तो क्या है? वो भी भजन ही लिखते हैं साईं बाबा? भजन है, गजल है, प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं गीत अपने। तो घर में काफी लिखने पढ़ने का माहौल। हाँ, हाँ। और लड़का भी इसी तरह है। किस दौर से आपने लिखना शुरू किया, वो उम्र क्या थी जब पहली कविता आपने लिखी और आपको लगा, या वो कौन सा शख्स था जिसको, या शख्सियत थी जिसको आपने अपनी पहली रचना सुनाई और उसने आपको प्रोत्साहन दिया कि तुम लिख सकते हो? या आप, अगर मैं सत्य कहूँ तो यह तो मुझे स्वयं भी याद नहीं है कि मैंने कब से लिखना शुरू कर दिया और कितना कितना लिख करके मैं रखती रही पर उसको प्रकाशित नहीं करवा सकी। मुझे ऐसा बैकग्राउंड नहीं मिल पाया है, मैं घर और स्कूल तक सीमित रह गई। परंतु अब मुझे लगता है कि मेरी रचनाएं इस काबिल हैं कि समाज के सामने आएँ। लिख के तो बहुत सालों से मेरे पास पड़ी हुई हैं।
चलिए हम आते हैं आपके उस गीत पर जो काफी धूम मचा रहा है, साई 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 मेरा मन बोले, इसको हमारे चैनल ने, हमारी कंपनी ने रिलीज किया है। मैं चाहता हूँ उसकी दो लाइनें आप जो हैं गुनगुनाएं या बोल के हमारे दर्शकों को सुनाएं। हाँ जरूर। साई 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 मेरा मन बोले, साई 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 मेरा मन बोले, अम्मा की डारी पे कोयल बोले, साई 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 मेरा मन बोले, अम्मा की डारी पे कोयल बोले। क्या बात है, क्या बात है। तो प्रमिला जी, जब आपको हमारी कंपनी के थ्रू मेल आया कि आपका साई भजन सेलेक्ट हुआ है और आपके गाने के ऊपर हम म्यूजिक बनाने जा रहे हैं और इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज करने जा रहे हैं, तो कैसा महसूस हुआ वो? मुझे तो उत्साह अति आनंद का अनुभव हुआ। एक तो मेरा साई भजन और दूसरे के एस शक्ति म्यूजिक, जो अपने गांव-गांव से और देश के कोने कोने से कलाकारों को आमंत्रित अपने पास लेता है और उन्हें बैकग्राउंड, उन्हें जमीन देता है, मंच देता है उनको खड़ा होने के लिए, उनके प्रतिभा को निखारता है और देश के कोने कोने, क्या विश्व के कोने में एक दिन उनका प्रसारण प्रकाश होगा, वो प्रकाशित होंगे, वो दिखेंगे। हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि देश के कोने कोने में जितने भी हमारे कलाकार हैं जो मुंबई नहीं पहुंच पाते हैं किन्हीं कारणवश, और उनका जो एक चाहत होती है, उनकी एक जो इच्छा होती है कि उनकी जो कला है वो सबके सामने, दुनिया देश दुनिया के सामने आए, तो ये हमारी हमेशा से हमारी यही चाहत, हमारा प्रयास रहता है जितना हमारा सामर्थ्य है, जितनी हमारी शक्ति है, कि हम देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को ढूंढें और उन्हें अपना एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वो अपने सपनों को आगे, सपनों की उड़ान उड़ सकें और उसे साकार कर सकें। हाँ जरूर सिद्धार्थ जी, मैं इस बात से विशेष प्रभावित हूँ कि केएस शक्ति एजुकेशन म्यूजिक कंपनी जो है, यह एक स्टेज मंच देता है जो कलाकारों को, वो कलाकार चाहे कहीं से भी हों, किसी भी कोने से देश के हों, और चाहे कितने भी मतलब क्वालिफिकेशन उनकी कुछ हो, गांव में हो तभी भी कोई बात नहीं है, पर उनकी कला, उनकी प्रतिभा को बहुत लोग नहीं जान पाते हैं इस समाज में। हमारे गाँव में बहुत प्रतिभाएँ छिपी हुई हैं जिनको बैकग्राउंड नहीं मिलता, जिनको मंच नहीं मिलता, तो वो के एस शक्ति म्यूजिक चैनल जो दे रहा है इसके लिए बहुत बहुत सराहनीय कार्य है ये। पहली बार आपका गाना शक्ति एजुकेशन म्यूजिक के विभिन्न ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुआ, तो आपके प्रियजनों ने या आपके दोस्तों ने, आपके ऐसा कौन सा सबसे यादगार कमेंट या कोई पहली सेल्फी या कोई ऐसी बात जिसको आपको बहुत दिल को छुई हो कि इस उम्र में आपने अपना पहला गीत रिलीज किया, कुछ याद होगा? हाँ हाँ, हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों ने और जितने भी लोग मिले कि आपका हमने देखा ये साई भजन बहुत अच्छा लगा एल्बम आपका, तो उस समय तो शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए, क्योंकि साई बाबा की कृपा ही सब कुछ कृपा है, सबसे बड़ा आनंद वही है। और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं किस तरह से के शक्ति एजुकेशन म्यूजिक के थ्रू हमारे एल्बम आप और रिलीज करते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आप जितने भी अच्छे गीत हैं वो हमारा आपसे पता है कि हम उसे रिलीज करते रहेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी आप लोगों का, आप जितने भी लोगों को बैकग्राउंड दे सकिए, मंच दे सकिए, हम अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि देश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में आपका चैनल अग्रणीय हो। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार। तो आप चलते चलते अपनी किसी नए भजन की दो लाइनें अगर बताना चाहें जो हमारी कंपनी से रिलीज हो रहा हो, सिर्फ मुखड़ा अगर आप बोल सके तो। साई 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 तन मेरा, साई मन मेरा, साई मेरा धन मेरा, साई मेरा मेरा मेरा, साई मेरा मेरा मेरा, साई मेरा तन मेरा, साई मेरा मन, साई मेरा धन में, जब बोलो साई 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 बाबा साई साई, और क्या बताऊं सिद्धार्थ जी, बस शायद मैं आज ये मुझे लगता है बहुत आनंद में साईं बाबा से एक विशेष लगाव है। हाँ, विशेष श्रद्धा, विशेष लगाव, और मैं भी ऐसा महसूस करती हूँ कि बाबा की भी हम पर विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा है। मुझे सदैव बाबा की अनुभूति होती रहती है, मेरे साथ जो भी कोई सुख दुख होता है मैं मन ही मन बाबा को याद करती हूँ, और मैंने पाया है ऐसा प्रत्यक्ष कि मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, तो मेरे में क्या शक्ति है, ये तो मैं जानती हूँ कि बाबा की शक्ति से समस्याएं आती और जाती हैं, सुख भी साईं, दुख भी साईं।
रात भी साईं, दिन भी साईं, सब कुछ मेरा साईं 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 साईं। चलिए, बहुत 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 आभार आपका, बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं शक्ति एजुकेशन म्यूजिक का फाउंडर होने के हैसियत से ये आपके लिए विश करता हूँ कि आप अपनी गीतकारिता के, अपनी लेखनी के क्षेत्र में यूँ ही आप आगे बढ़ती रहें, निरंतर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती रहें, साईं बाबा की भक्ति में विलीन रहें और साईं भजन इसी तरह से लगातार हमारे लिए और देश की और भी म्यूजिक कंपनियों के लिए बनाती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे धन्यवाद साथ अपना साझा करने के लिए। तो ये थी गीतकार प्रमिला श्रीवास्तव, जिन्होंने हमारी म्यूजिक कंपनी शक्ति एजुकेशन म्यूजिक से अपना पहला साईं भजन साईं 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 मेरा मन बोले रिलीज किया, जिसका वीडियो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के शक्ति म्यूजिक पे सुन सकते हैं, जिसको अपनी आवाज दी है बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर कंचन किरण मिश्रा ने। आप सब इस गाने को बहुत सराह रहे हैं, इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद के शक्ति म्यूजिक पे बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। आपका दिन मंगलमय है।